श्रद्धा एंड वेलकम बैक इन माय चैनल श्रद्धा सिंह लॉ। और आज का जो ब्लॉग है वो है, मैं जा रही हूँ बलरामपुर और बहुत ही स्पेशल रीजन है जाने का। एक्चुअली क्या है कि हमारे यहाँ शादी हो गई विकास की, मेरे भाई की, तो शादी कंप्लीट हो गई, अच्छे से सब कुछ हो गया और लास्ट में कुल देवता की पूजा रखी जाती है ताकि सब कुछ जो भी गलती हुई हो उसको माफ कर दे, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो हम लोग जा रहे हैं कुल देवता की पूजा के लिए। एंड सेकंड जो स्पेशल रीजन है वो है काजल यानी मेरी जो भाभी है उनकी पहली रसोई है, तो हम लोग इनवाइट किए गए हैं, मैं और मेरी मम्मी एंड मेरा बेटा और घर के दामाद जी। तो क्योंकि बोलते हैं हम लोगों के हिंदू उसमें बोलते हैं कि जो भांजा होता है वो मतलब कितने ब्राह्मण के बराबर होता है, तो उनसे हवन करवाना है। एंड जो दामाद जी हैं और बहुत ही रिस्पेक्टफुल होता है ना ससुराल में जाना दामाद का, और कितनी सारी खातिरदारी होती है, तो इसलिए हम लोग इनवाइट किए गए हैं और जा रहे हैं। नजर मत मारिएगा आप लोग, नजर मत मारिएगा। तो हम लोग जा रहे हैं और वहाँ पूजा करेंगे पहले तो, और उसके बाद फिर काजल के हाथ का बना हुआ फर्स्ट टाइम कुछ खाएंगे हम लोग। तो फिर देखते हैं, वीडियो के एंड तक जरूर बनी रहिए क्योंकि जो भी होगा बहुत मजा आने वाला है, आपको भी बहुत मजा आएगा देखने में, हम लोगों को तो आएगा ही। तो एंड तक जरूर बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, गाइस अगर आपको कुछ कमेंट करना वो भी करिएगा और ढेर सारा वीडियो को प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हम लोग रास्ते में हैं, अभी बीच रास्ते में, और 2:22 हो गया है दोपहर का टाइम और धूप देखिए बहुत बढ़िया धूप हुई है, ठंड में ऐसी निकलती रही तो कुछ दिन बाद गर्मी आ जाएगी। तो अब हम पहुंचते हैं जब बलरामपुर, हम लोग दिन देखते हैं कि क्या क्या होता है। अभी तो कार ऑन द वे है, तो कार में है इस वजह से बहुत ही शेक हो रहा है, वीडियो हाथ हिल रहा है मेरा। तो चलिए फिर बलरामपुर पहुंच के देखते हैं। अभी हम लोग बलरामपुर आ गए अपने घर में और थोड़े बहुत चेंजेस हो गए हैं शादी के बाद से। नहीं, वो अभी मैं दिखाऊंगी बाद में। फिलहाल वो जो आग अग्यार देना है, हवन करना, वो कर लें और उसके बाद फिर बाकी काम करते हैं। तो ये देखिए सब लोग यहाँ पे हैं, एज यूजुअल सीता हर बार की तरह है, और ये आद्यांश अपने मामा से दूर भागते हुए, और ये हमारे यहाँ के नाव पे वो पूजा करता है, वही है काजल। आज फर्स्ट टाइम किचन में मेहनत करते हुए क्या बनाया है, पूरी सब्जी सिवाई और आलू मटर पनीर की सब्जी है, पूरी है, दाल है, तो ये सब तुमने बनाया है, टेस्ट करके बताइए कैसा बना है। हाँ, तो आज काजल ने सब कुछ बनाया है और अभी भी पूरी बना रही है। तो चलिए फिर पहले पूजा कर लेते हैं, उसके बाद फिर बैठ के इत्मीनान से बातें करते हैं, खाना वाना खाते हैं। पूजा और ये संपन्न हो गया अच्छे से, ये मुझे और मेरे हस्बैंड को ही करना था आके। और अब खाना खाने जा रहे हैं, सेकंड जो स्पेशल रीजन था। और मम्मी मेरी देख कितनी खुश है, अपनी बेटी तो थी, दामाद थी, बेटा भी बहू को पाके ये आई थी अपने पुत्रों को मनाने के लिए, ये भूल चूक हुआ तो उसको माफ कर दिया सब लोग, राइट। तो अब यहाँ पे आते हैं किचन में। नेक्स्ट स्पेशल जो रीजन था वो ये है कि अब हम लोगों के लिए लंच रेडी हो रहा है पूजा के बाद प्रसाद, तो वो बनाई है काजल ने। और कितनी सुबह से बन रहा है क्या, दोपहर हो गया है, वही आने में तुम लोग दोपहर बाद पूरी गरम गरम खाना। अच्छा अच्छा, तो अभी गरम पूरियां चल रही हैं और हम लोग खाएंगे। और देख सकते हैं कितना लंबा टीम है किचन में, काजल, मम्मी, खुशबू और सीता। हाँ, ये दामाद के लिए है ना स्पेशली। ये देखिए मेरा बाबू, अब ऐसे हाय कर दो।
हाय हाय करिए। ये देखिए हमारा हम लोगों का लंच आ गया है और वो है पूरी दाल मटर पनीर और आलू की सब्जी है, सेवई भी है लेकिन वो थोड़ा बाद में। तो अब हम लोग टेस्ट करिए। हाँ तो सुबह से ऑफिस अच्छा बने काजल आए तब बताते हैं कैसा लगा बाबू। अरे कैसा लगा आपको काजल के हाथ का खाना आपको मम्मी? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा मस्त लगा। मुझे भी अच्छा लगा खाना, बहुत अच्छा लगा। पनीर और दाल तो मुझे वैसे बहुत पसंद है तो मुझे ओवरऑल खाना बहुत अच्छा लगा और सेवई अभी टेस्ट करना बाकी है। और काजल के पति परमेश्वर जी से पूछते हैं कैसा लगा आपको? ठीक है। एक्चुअली विकास खुद इतने बड़े कुक है, इतना बढ़िया हर वैरायटी का टेस्टी टेस्टी खाना बनाते हैं तो इनको बाकी लोगों के हाथ का ठीक है लगता है। तो ये काजल जा रही है जिया जी का अपने पैर छूने खाना खिलाने के बाद। छुआ जाए तो ये हाथ सबसे पहले फैलाए हैं। खुश रहो खुश रहो। तो बाबू को भी पैर छूना है, बाबू ले लो डाल दी जाए है और वो नहीं चाहिए अच्छा नहीं है। कार चलाएंगे इतना भारी हो गया, कैसे कार चलाऊंगी। अब आपको खूब आगे बढ़ो बनी। तो काजल ने फर्स्ट रसोई अपनी बनाई है, बहुत अच्छा खाना था पहले से। थैंक यू। और दूसरी बात ये उसने थैंक यू सो मच। तो काजल की आज पहली रसोई थी, फर्स्ट टाइम खाना बनाया था। तो मम्मी अपनी यानी काजल की सासू माँ काजल को भैया गिफ्ट कर रही हैं, नेक दे रही हैं। क्या बेटा आओ इधर, ये है काजल का गिफ्ट, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा सा। अब बन रही है, ये मेरी सासू माँ दे रही है। तो काजल घर की लक्ष्मी, घर की लक्ष्मी जला रही है दीपक घर के बाहर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा आउटिंग के लिए, तो कहीं ज्यादा लंबा दूर नहीं जा रहे, बस जा रहे हैं थोड़ा बहुत काम है, कुछ चीजें चेंज करनी है, कुछ चीजें रिटर्न करनी है। तो मार्केट जा रहे हैं और इन्होंने स्मूथनिंग हेयर स्पा कराया था तो आज इनका हेयर वॉश होना है, तो इनको जाएंगे पार्लर छोड़ेंगे। थोड़ा बहुत मुझे पार्लर में काम है तो वो सब यही सब आउटिंग है आज की हम लोगों की शाम की। तो चलिए चलिए चलते हैं फटाक। तो काजल को पार्लर में ड्रॉप करने के बाद उनका ट्रीटमेंट जो वॉश हेयर वॉश था और बाकी चीज़ें वो स्टार्ट हो गई, तो इनको छोड़ देते क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगना है काजल के पूरे प्रोसेस में। तो काजल को यहाँ पे छोड़ के हम लोग जा रहे हैं जो कुछ चीज़ें चेंज करनी थी या शॉपिंग, तो आ गए शॉप पर है। तो ये मम्मी ट्राई कर रही है, कैसा लगा आपको? कैसा लगा आपको? तो मम्मी को फिट आ गया, अच्छी लग रही मम्मी। और इसके बाद कुछ और जैकेट्स देखे, बट क्योंकि अब तो जैकेट्स का काम नहीं है, वो नेक्स्ट विंटर कलेक्शन हो सकता और अच्छा आए, तो इसको देखा, जो हम लोगों को पसंद आया वो परचेज किया, जो नहीं आया वो देख के छोड़ दिया। और आद्यांत आए हैं अपनी नानी के साथ। ये आदी देखे। अरे तो ये दोनों जैकेट्स हम लोगों ने लिए, एक मम्मी के लिए एक मेरे लिए, मम्मी ने लिया है। और इसके बाद फिर थोड़े बहुत और शॉपिंग किया गया सूट वगैरह, तो विकास ने एक सूट मेरे लिए चूज की, वो सूट मैंने परचेज किया, एक्चुअली मैंने नहीं मम्मी ने परचेज किया मेरे लिए। तो वो ये सब सारी शॉपिंग वॉपिंग करने के बाद अभी काजल के प्रोसेस में और टाइम लगना था, तो हम लोगों को फिर कुछ और देखा। तो यहाँ से पास में एक मंदिर था, वहाँ दर्शन किए, उसके बाद यहाँ आकर के एक मतलब वी मार्ट है, वी मार्ट में आके ऐसे ही देख रहे हैं कोई खिलौना इनकेस अगर आद्यांत के लिए मिल जाए, तो वही हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर।
काजल का प्रोसेस कंप्लीट हुआ, काजल बहुत अच्छी लग रही हैं, तो अब इनको पिक करके लेकर साथ में हम लोग जा रहे हैं। हम लोग यहाँ डिनर करने आए हैं और ये हस्बैंड ब्लैक सॉल्ट होगा, साथ में दोनों मम्मी लोग हैं, ब्लैक सॉल्ट और नींबू की स्लाइस होते हैं, और साथ में काजल है, विकास और आद्यान है वो वहाँ। जैसे कि हम लोग हमेशा डिनर के पहले या लंच के पहले सूप मंगाते हैं क्योंकि मम्मी लोगों को बहुत पसंद है, तो ये सूप आया है। यार मुझे तंग बहुत कर रहे हैं, बहुत डिमांड कर रही हैं, हम इनकी पूरी नहीं करने वाला। तो डिमांड करने का फायदा क्या जब ये पूरी ही नहीं करेंगे? अरे आधी पूरी किया हूँ, आधी अगले साल के लिए भी रखूँ ना। ये है मेरा फेवरेट पनीर टिक्का, क्योंकि मैं जहाँ जाती हूँ पनीर टिक्का जरूर ऑर्डर करती हूँ। ये देखिए विकास जो मस्ती कर रहे हैं काजल के साथ, खिला रहे हैं, परेशान कर रहे हैं उसे। और इसके बाद हम लोगों का डिनर आ गया, हम लोगों ने डिनर फिनिश किया, बहुत अच्छा, बहुत ही टेस्टी था हर आइटम, तो बहुत ही अच्छा था यहाँ का एक्सपीरियंस इस रेस्टोरेंट का। और इसके बाद आई लास्ट में आइसक्रीम हम लोगों के लिए, और ये सब फिनिश करने के बाद पूरी फुल एंजॉयमेंट के बाद हम लोग घर पहुँचे, घर पे चेंज वेंज किया, और इसके बाद ये काजल और विकास के रूम में हम लोग हैं, और हम लोगों ने कहा चलो ठीक है तुम लोग डांस करके दिखाओ। तो ऐसे सॉन्ग प्ले करके काजल और विकास से हम लोगों ने कहा साथ में डांस करके दिखाओ, तो दोनों लोग डांस कर रहे हैं, बहुत अच्छा डांस किया। और इसके बाद बाकी सब लोगों ने ग्रुप में डांस किया, ऐसे मस्ती मजाक इंजॉय किया, और उसके बाद बहुत 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 मज़ा आया। गाइज आप सबको भी उसको बहुत मज़ा आया हो, तो अगर वीडियो पसंद आया हो देन ढेर सारा प्यार दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें श्रद्धा सिंगला, और बेल आइकन को प्रेस करके ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बहुत मस्ती भरा होगा क्योंकि नेक्स्ट ब्लॉग है हमारी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन वाला ब्लॉग, तो उसे देखना ज़रूर बिल्कुल मत भूलिएगा। और तब तक आप लोग हमेशा हंसते खेलते रहें और मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड विद श्रद्धा सिंगला।